नमस्कार, मैं उमा। बाठी के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ होली स्पेशल चिकन मसाला, जो काफी स्वादिष्ट बनता है। फ्रेंड्स से होली में कई प्रकार के पकवान बनाने होते हैं। इस तरीके से बनाया गया चिकन मसाला झटपट तैयार हो जाता है और स्वादिष्ट भी काफी होता है। तो चलिए चिकन मसाला बनाते हैं। इसके लिए हम 500 ग्राम ये चिकन लिए हैं। इसे साफ करके इसमें हम 50 ग्राम दही डालते हैं, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच ये धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर। हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये है MDH का चिकन मसाला, इसे भी हम 2 चम्मच डालेंगे। ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसे भी हम डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मसाला और चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और 1 घंटा के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। इसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालते हैं और ये 2 तेज़पत्ता है, इसे डाल। ये गरम मसाला है, इसमें सभी गरम मसाला है। ये इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और लाल मिर्च है, इसे डालते हैं। 2 सेकेंड भूज लेते हैं और इसमें अब 4 बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं। प्याज को ब्राउन होने तक हम भूजते हैं। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को डालते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूजते हैं। इस चिकन को हम ढक ढक करके भूजेंगे और ये जो अपना पानी छोड़ते हैं इसी में इसे हम पकने देंगे। इस तरह से हम चिकन मसाला को पकाएंगे। ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसे अपने पानी में ही भूजते हुए पकाएंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला से तेल अलग ना हो जाए। अब इसे हम ढककर 5 से 10 मिनट तक पकने देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, चिकन मसाला बनकर तैयार है। यदि चिकन मसाला इसी तरह से खाना चाहते हैं तो ये तैयार हो गया है, और अभी इसमें ग्रेवी देना चाहते हैं तो अपने ज़रूरत के अनुसार ग्रेवी दे सकते हैं। देखिए, हमारा चिकन मसाला काफ़ी टेस्टी बना है। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह वीडियो? यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप भी बनाएं, होली मनाएं। धन्यवाद।